जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी कांस्टेबल की नई भर्ती 2023 की आने वाली है। इसमें देखिए, यहां पर जो आपको फिजिकल होने वाला है और आप सभी को पता है कि आपकी बार से फिजिकल में नंबर दिए जाएंगे, तो कैसे दिए जाएंगे इस वीडियो में आपको सभी को बताने वाला हूं। तो देखिए, यहां पर बता दिया गया है कि आज नया नोटिस जारी किया गया है। देखिए यहां पर कि शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन और मूल्यांकन एक चयन समिति जैसे कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाए के पर्यवेक्षकों के द्वारा की जाएगी। मतलब जो आपका पुलिस महानिदेशक है, अपने यहाँ के जो पुलिस महानिदेशक है, उनके द्वारा एक समिति गठित की जाएगी फिजिकल देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षण में अभ्यर्थियों को 800 मीटर में केवल 20% न्यूनतम अंक लाने होंगे। कितने? 800 मीटर में 20% न्यूनतम अंक लाने होंगे। और देखिए 40 में से अंक भी बता दिया कि टोटल अंक कितने देंगे, 40 दे देंगे, जिसमें से 8 अंक लाएंगे जब भी आप क्या होगा रनिंग में क्वालिफाई हो पाएंगे। यहाँ पर बताया गया अंकों का वितरण अनुसूची 2 अनुसार किया जाएगा। तो अभी हम आगे देखेंगे, उसमें सभी बताया गया है कि कितने पर आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब कितनी रनिंग पर कितने मार्क्स दिया जाएगा। अंतिम चयन कैसे किया जाएगा, बताया गया है कि अभ्यर्थियों का अंतिम चयन उनके प्रायोगिक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अहर अंक लाने पर उनकी लिखित परीक्षा, तकनीकी एवं प्रायोगिक जो परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर की जाएगी। मतलब क्या बताया गया है कि आपकी जो शारीरिक दक्षता है, बोले तो फिजिकल और क्या कहते हैं लिखित एग्जाम जो होगा आपका सीबीटी, इसके आधार पर की जाएगी, ठीक है। ये दोनों में आप जितने अंक लाएंगे उसके आधार पर ये मेरिट बनेगी। चलिए आगे देख लेते हैं कि सभी में आपको रनिंग के कैसे नंबर मिलेंगे, गोला फेंक का कैसा नंबर मिलेगा और उसके बाद लंबी कूद का कैसा नंबर मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए हाइट बता देता हूं, तो हाइट क्या रहने वाली है, तो यहाँ देखिए आपके लिए जो सूबेदार के पद होंगे, शीघ्र लेखक और सहायक उपनिरीक्षक के पद जो होते हैं, इसमें हाइट पुरुष के लिए कितनी रहने वाली है, 162 सेंटीमीटर रहने वाली है, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। और इसमें चेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, ना पुरुष के लिए ना महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं रहेगा। अगर बात करें आपके आरक्षक संवर्ग, मतलब की जो कांस्टेबल की भर्ती होती है, इसमें क्या रहने वाला है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी होगा, मतलब की UR और इसके बाद चल के जो SC और आपका OBC, इसके लिए कितनी रहने वाली है, तो पुरुष में 168 सेंटीमीटर तथा महिलाओं में 155 सेंटीमीटर रहने वाली है। सीना देखिए पुरुष का कितना रहना चाहिए, जो आपके कैंडिडेट होंगे इनके लिए 81-86, मतलब 81 नॉर्मल रहना चाहिए, 86 पुराने पर रहना चाहिए। अब जो ST कैटेगरी के होंगे उनके लिए कितनी हाइट दी गई है, 160 सेंटीमीटर दी गई है, उनके लिए चेस्ट रहेगा 76-81 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए भी 155 सेंटीमीटर यहां पर ST कैटेगरी में हाइट दी गई है। सहायक उपनिरीक्षक और प्रधान आरक्षक जो होते हैं SI पद, इसके लिए देखिए 160 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर दी गई है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं कि रनिंग और आपका गोला फेंक इन पे कैसे नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रनिंग और आपकी जो है ये दी गई है लंबी कूद और ये आपका गोला फेंक दिया हुआ है, इस पे नंबर कैसे मिलेंगे तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। देखिए जब 40 नंबर की क्या होगी आपकी रनिंग होगी, और ये 30 नंबर की क्या होगी आपकी जो लंबी कूद होती है ना, लॉन्ग जंप वहां होगी। और अगर गोला फेंक की बात करें तो ये भी 30 नंबर का होगा, 30 नंबर का गोला फेंक और 30 नंबर की क्या होगी आपकी लंबी कूद होगी। अगर आपको 40 नंबर पूरे रनिंग में लाना है तो देखिए कितने मिनट में, यहाँ पर देखिए 40 नंबर पूरे अधिकतम अंक कितने में ला सकते हो आप, 124.2 सेकेंड में, मतलब 124.2 सेकेंड बोले तो आपका कितना होता है, 2 मिनट, 2 मिनट की बात करें, 2 मिनट और 4 सेकेंड, कितना, 2 मिनट और 4 सेकेंड में यदि आप रनिंग क्वालिफाई करेंगे ना तो आपको कितने मिलेंगे, 40 अंक मिलेंगे। और यदि आप लोग 126 सेकंड में करेंगे तो कितने मिलेंगे, 39 अंक मिलेंगे। और यहां देख सकते हो कि 128 सेकंड में करोगे तो ऐसे ही यहां देख सकते हो लाइन से बढ़ते गया है, मतलब इसमें आप नंबर देख सकते हो अपने कि आपको कितने मिनट में कितना क्वालिफाई करेंगे, इसमें यह सब सेकंड में दिए हुए हैं और इतने में आपको इतने नंबर मिलेंगे। यहां बात करें तो देखिए पूरे अंक अगर दिए हैं लंबी कूद में तो आपको कितने मीटर कूदना होगा, 5.57 मीटर कूदना होगा, ठीक है, 5.57 मीटर कूदना होगा। और गोले में पूरा अंक चाहिए तो कितने चाहिए आपको, 8.78 फीट मीटर है, ठीक है, 8.7 और 6 मीटर यहां पर फेंकना होगा, 8.76 मीटर आपको गोला फेंकना होगा और कूद में से पूरे चाहिए तो इतने नंबर दिए गए हैं। चलिए और ऊपर बता देते, ये वॉयस कैंडिडेट का है, ठीक है, ये किसका है, वॉयस कैंडिडेट के लिए दिया गया है। अभी महिलाओं की बात कर लेते हैं हम, यहाँ देखिए बॉयज कैंडिडेट में सबसे कम नंबर कितने पे मिलेगा तो देख सकते हो, अगर आपकी रनिंग 162 सेकेंड में निकलती है तो आपको 20 नंबर मिलेगा, और 4.67 मीटर आपको लंबी कूद करते हो तो आपको 20 नंबर मिलेगा, और यदि आप लोग 7.6 मीटर फेंकते हो गोला तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 20 नंबर मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हो आपके सामने सभी चीज दी गई है, गोला कितना फेंकना है और कितने नंबर आपको मिलेंगे, नंबर दिए गए है, और ये आपकी रनिंग का है, जो आपका लंबी कूद का है, गोला फेंक का है, ठीक है, इसी तरीके से आपके एक एक नंबर बढ़ाते हुए बांटे गए हैं। तो हम गर्ल्स की बात कर लेते हैं, देखिए गोला तो सभी को पता है कि कितने का होता है, 7.26 किलोग्राम का होता है, 7.25 किलोग्राम का होता है,
लंबी कूद में और गोला फेंक में आपको 3 अवसर दिए जाते हैं, ये तो पहले भी दिए जाते थे, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। देखिए अब महिलाओं की बात करते हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट होंगी ना इनके लिए क्या रखा गया है। तो गर्ल्स कैंडिडेट में देखिए रनिंग कितने में है, तो अधिकतम 40 अंक पाने के लिए गर्ल्स कैंडिडेट को कितने 176 सेकंड में पार करना होगा, पूरे मतलब कि 176 सेकंड में रनिंग को लाना होगा। तो आप कर सकते हैं, लगभग कितना होगा 3 मिनट में 4 सेकंड कम में आपको रनिंग क्वालिफाई करना होगा जब आपको पूरे 40 मार्क्स मिलेंगे। गोले लंबी कूद की बात करें तो आपको कितना कूदना होगा, तो देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है 4.36 मीटर कूदना होगा, तो आपको पूरे 40 मार्क्स मिलेंगे। ये हम लास्ट में बता रहे हैं कि आप इतना कूदोगे, इतना दौड़ोगे मतलब कितने समय में, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। बाकी इससे कम अगर करते हो तो आप फिर भी क्वालिफाई माने जाएंगे। यहाँ देखिए ये दिया गया है कि अगर आप 7.2 मतलब कि 2.0 मतलब 7.20 मीटर अगर गोला फेंकते हैं तो आपको 30 अंक गोले में मिलेंगे और 30 अंक इसमें मिलेंगे आपके लंबी कूद में मिलेंगे। जैसे दिया गया है और सभी को पता है कि आपका गोला 4 किलोग्राम का रहता है और लंबी कूद और गोला फेंक प्रत्येक में 3 अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यह आपके सामने रहा अधिकतम अंक के लिए। अब आपको बताता हूँ कम अंक कितने पे मिलेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा हमने स्क्रॉल कर दिया, इसमें आपको दिख रहा होगा कितने नंबर कितने पे मिलेगा, और बाकी हम नीचे और चलते हैं तो आपको दिखेगा। यहाँ देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, जैसे कि अगर बात करें अगर आपको कितने नंबर 25 नंबर चाहिए तो आप 209 सेकंड में, तो 209 सेकंड कितना होता है सभी को पता है कि कितना होता है 3.29 मिनट मतलब 3 मिनट 29 सेकंड होता है। इतने में अगर आप रनिंग क्वालिफाई करेंगे तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और इससे कम में करोगे तो अनक्वालिफाई हो जाओगे। यहाँ देखिए जो लंबी कूद है आपकी कितनी रहना चाहिए, लंबी कूद कम से कम 3.96 मीटर आपकी लंबी कूद होना चाहिए। अगर बात करें गोला फेंक कितना होना चाहिए, कम से कम कितना 6.45 चाहिए, और ये आपके नंबर दिए गए। यदि आप लोग सबसे नीचे इतने कम कम में करते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, बाकी आपके जो बढ़ते हुए वह तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए इसमें एक नियम और घटा दिया गया, मतलब कि जो आप गर्ल्स कैंडिडेट है उनको इतने नंबर लाना हुआ कि हर कैटेगरी में अपने बॉयज कैंडिडेट के बराबर ही नंबर लाना हुआ क्वालिफाई करने के लिए, और एक से सर्विस मैन को भी इतने ही नंबर लाना होगा ताकि वह क्वालिफाई कर सके। मतलब किसी प्रकार से जैसे एक से सर्विस मैन को यहाँ पर दिया जाता था, क्या दिया जाता था, आरक्षण की 10% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इसको हटा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, मतलब आप समझ सकते हो कि डायरेक्ट अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो होते हैं वो आपके एक से सर्विस मैन होते हैं, अगर अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 80 जा रहा है तो उन्हें भी 80 नंबर लाना होगा इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। जैसा इस बार वाली भर्ती में किया गया है कि जिस कैटेगरी के थे उनको उस कैटेगरी में क्वालिफाई मार्क्स किसके हिसाब से चाहिए था, जो लड़के तैयारी कर रहे थे इनके हिसाब से चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ एक सर्विस मैन को आप जो आरक्षण इस बार से हटा दिया गया, तो अभी भी हटा दिया गया है, तो यहाँ देख सकते हो कि गर्ल्स और आपको एक सर्विस मैन इनको अब जो कट ऑफ अपना क्लियर करने के लिए बॉयज के बराबर ही नंबर लाना होगा। तो अगर आप लोग एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं 2021 में जितने भी क्वेश्चन आपके एमपी जीके से पूछे गए थे और जीके से पूछे गए थे, मैथ रीजनिंग से पूछे गए थे, 2022 में जो आपका एग्जाम अभी जनवरी में हुआ था ना, हमने फुल एनालिसिस के साथ उन सभी क्वेश्चन को लाके रखे हैं। तो यह आपके एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी जेल पेरी का एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, एमपी कांस्टेबल नई भर्ती आने वाली है, और एमपी के अदर जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सब में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चैनल में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमपी जीके की वीडियो बनी रखी है, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर वीडियो सभी है। और यदि आप लोग एमपी जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट 1250 प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो जिसमें से आपको बता दूं 2014 से लेकर 2022 तक आपके व्यापम द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, इस पीडीएफ में उन सभी प्रश्नों को कलेक्ट करके चैप्टर वाइज बनाया गया है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो चैनल के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अब आपके लिए 10 दिसंबर से लगभग फुल आपके लिए फाउंडेशन बेस चालू होगा, जिसमें मैथ रीजनिंग जीके आपको एमपी जीके रहने वाला है और हिंदी रहने वाला है। तो ये चारों सब्जेक्ट आपको फ्री रहने वाला है, और यूट्यूब पे इतना अच्छे से फ्री में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जो ऐप पे पढ़ाते हैं सब आपका वो यूट्यूब पे इतना फ्री में नहीं देंगे कंटेंट, हम आपको यूट्यूब पे ही पूरी चीज फ्री देने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।